तो आप अपने के प्लेसिंग से खुश हैं? नहीं नहीं खुश हूँ। अच्छा क्यों, मतलब क्या हो गया? फर्स्ट था, पब्लिक पूरी फर्स्ट चिल्ला रही थी। अच्छा, जजेस भी कई चार पांच फर्स्ट बोल रहे थे, लेकिन जो दो तीन जो बैठे थे वो सेकंड बोल रहे थे। और क्या लगता है आज, मतलब क्या होगा? देखते भी स्टेज पे जाके। अच्छा, आपको तो अंदर से कुछ फील हो रहा होगा ना कि पता चलेगा अभी जाके। पहले YCC में मैं जस्ट देखने आया था, बट सर ने बोला था कि खेल ले, तो वहाँ पे फोर्थ प्लेस लगी थी। जस्ट देखने आया था मैं। ओके, हाँ तो फोर्थ प्लेस लगी। हाँ वहाँ पे फोर्थ प्लेस लगी। तो अभी फिर नेक्स्ट प्लान क्या है? बट अभी इस साल आया हूँ, टॉप 5 लगा है, अच्छा लगा, और जजिंग भी बहुत अच्छी हुई। मेरे ग्रुप पे 25 पुट्टे लड़के थे, प्लेयर्स थे, उसमें से टॉप 15 निकाले, फिर टॉप 70 निकाले, फिर 7 निकाले, फिर टॉप 5 निकाले। अभी रिजल्ट लास्ट में देंगे। डाइट मत पूछो सर, डाइट बहुत भारी रहता है, बहुत भारी, नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। जो बॉडी बिल्डर है, जिसको अच्छा खासा जुनून है, जो कर सकता बस वही फॉलो कर सकता है डाइट। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? मेरा नाम है लोकेश और स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं अमरावती। अमरावती में आज़ाद हिंद मंडल है, जो कि मतलब बहुत पुराना अखाड़ा है, वहाँ से बहुत सारे पहलवान निकले। तो आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो आज वही वीडियो कवर करने वाले हैं। और उसके अलावा आज हम खाली हाथ नहीं जाने वाले, आज हम एथलीट के लिए कुछ लेके जाएंगे। येलो एंड वाइट करके कंपनी है, जो कि लिक्विड एक्वाइट बनाती है। लिक्विड एक्वाइट होता क्या है, जैसे जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको कंपटीशन के टाइम पे सिर्फ एक्वाइट चाहिए होता है। तो आप मार्केट से अंडे लाते हो, उसको बॉइल करते हो, फिर येलो अलग करते हो, वाइट अलग करते हो, इसमें बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। इससे बेटर है कि आप लिक्विड एक्वाइट यूज़ करो, ये आपको होल एग से काफ़ी सस्ता पड़ता है, और एक बॉटल में 200 ml में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो इसमें आपको जीरो फैट, जीरो कोलेस्ट्रॉल, जीरो कार्ब, सिर्फ हाई प्रोटीन मिलेगा। उसके अलावा इसका जो लाइफ है वो 28 डेज तक के रहता है, और अगर आप बॉटल सील ओपन करते हो तो 7 डेज तक के उसका लाइफ ये रहता है। जैसे अगर आप डेयरी से कोई मिल्क लेते हो तो आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर वही आप पैकेट वाला मिल्क लेते हो तो आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो। तो सेम चीज़ इसके साथ होती है, क्यों? क्योंकि उसको पैस्टराइज किया जाता है। तो सेम चीज़ इसके साथ है, आपने सुना होगा कि अंडे को कच्चा नहीं खाना चाहिए, बट लिक्विड एग्वाइट के साथ होता यह है कि उसमें जो बैक्टीरिया होता है उन बैक्टीरिया को पैस्टराइज करके रिमूव कर दिया जाता है। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है, आप उसको डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसका ऑमलेट बना के या एक स्क्रम्बल बना के या ब्राउन राइस में मिक्स करके भी खा सकते हैं, या फिर अपने प्रोटीन शेक्स में ऐड करके खा सकते हैं। ये एथलीट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज हम इसके सैंपल्स एथलीट को देने वाले हैं और जानेंगे उनसे फीडबैक कैसा है। और अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट, या फिर अगर आप नागपुर से हो तो आप बिग बास्केट पर एक्स करके डालोगे तो आपको 4th या 5th नंबर पे प्रोडक्ट दिख जाएगा। तो बस चलते हैं, अमरावती के लिए निकलते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है, बस वही मिले हैं। तो आ चुके हैं हम लोग अमरावती में, आज़ाद हिंद मंडल में हम पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर में शो होने वाला है, तो बस चलते हैं और देखते हैं शो। चलिए
हम लोग आ चुके हैं बैक स्टेज, तो चलिए हमारे पहले एथलीट से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अमर ठाकरे। कहाँ से हैं? मैं अभी तो फिलहाल नागपुर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ बादल शर्मा और अतुल टिकली के अंडर में, लेकिन मैं प्रॉपर पुलगांव का हूँ। अच्छा, पुलगांव से? हाँ, मैं वहाँ पर रहता हूँ जिम के ऊपर, और वहाँ पर मैं वहीं पर मैं अपना वर्कआउट और ट्रेनरशिप करता हूँ। तो अभी कितना टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं? वैसे तो मैं क्लास 6 से कर रहा हूँ, बट अभी जो प्रोफेशनली मैं फ्रॉम लास्ट 3 ईयर। अच्छा, हाँ। तो अभी इसके पहले कोई शो कम्पीट किया था इस सीजन में? के पहले YCC में मैं जस्ट देखने आया था, बट सर ने बोला था कि खेल ले, तो वहाँ पे 4th प्लेस लगी थी। जस्ट देखने आया था मैं। ओके। हाँ, तो 4th प्लेस लगी? हाँ, वहाँ पे 4th प्लेस लगी। तो अभी फिर नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी तो जस्ट अभी ये सीजन का वार्म शो है, उसके बाद देखते जैसे प्लान होता है चेंजेस करते अभी। और आज कौन से वेट कैटेगरी में खेल? 60-65 में हूँ मैं। अच्छा, क्या लगता है फिर आज क्या होगा? देखते हैं, आज देखते हैं जो भी डिसीजंस है। देखते हैं जूरी क्या डिसीजंस देते हैं, है ना, उनके ऊपर तो अपन नहीं है, बट जो भी डिसीजन होगा वी विल एक्सेप्ट दैट डिसीजन। तो अपने डाइट के बारे में बताएंगे, मतलब मॉर्निंग से लेकर रात तक क्या लेते हैं डाइट? मॉर्निंग में अभी जैसे मेरा तो कैसा, मैं पूरे जिम में ही रहता हूँ दिन भर, जिम के ऊपर रूम है मेरी। अतुल टिकले सर है जो पुलिस में मेरे कोच हैं, और बादल शर्मा सर है वो भी मेरे कोच हैं। और डाइट में मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि नॉनवेज रखूँ, क्योंकि नॉनवेज इज़ योर, मतलब आपका प्योर प्रोटीन मिलता है उसमें, है ना, जैसे वेज में आपको प्योर नहीं मिलता। तो मैं कोशिश करता हूँ नॉनवेज रखूँ, और बाकी जो भी दिन है अपने फिर मैं वो भी फॉलो करता हूँ। हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बस एक अपना इंस्टा आईडी बता दीजिए। मेरा है अमर साहेब @AmarSahebThakre। अमर साहेब ठाकरे, और मैं अच्छे से जानता हूँ भैया को, लोकेश गुप्ता है। प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब हिम, फॉलो हिम एंड लाइक हिम, रियली सपोर्टिंग आवर विदर्भ बॉडी बिल्डिंग। तो हमारे नेक्स्ट एथलीट से बात करते हैं। एथलीट बहुत अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं। क्या नाम है भैया? राहुल। कहाँ से? अकोला। अच्छा, अभी कितना टाइम हो गया बॉडी बिल्डिंग करते हुए? अभी तो 5 साल का गैप है, 5 साल के बाद में रिटर्न आया। अच्छा, तो छोड़ा क्यों था 5 साल? मतलब लॉकडाउन। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से। बॉडी बिल्डिंग के अलावा और क्या करते हैं? बिजनेस क्या बिजनेस? सप्लीमेंट का ही है। अच्छा, सप्लीमेंट का, तो दोनों चीज़ें हो जाती है? हाँ, हो जाती है। अच्छा, तो और अपने डाइट के बारे में बताएं, मतलब दिन भर क्या लेते हैं डाइट में? डाइट नहीं, चिकन, अंडे, स्प्राउट्स, सप्लीमेंट्स। हाँ, बस सप्लीमेंट में जैसे कि वे आइसोलेट। ओके, तो अभी नेक्स्ट गोल क्या है? मतलब नेक्स्ट गोल है खेलते रहो। अच्छा, ये सीजन पूरा खेलते रहो। अच्छा, और आज इसके लिए करी हुई है। और आज कौन से वेट कैटेगरी में खेल रहे हैं? 65। और क्या लगता है आज, मतलब क्या होगा? देखते हैं स्टेज पे जाके। अच्छा, आपको तो अंदर से कुछ फील हो रहा हो ना कि पता चलेगा वहाँ पे जाके? अच्छा, सब लगता खुद में से मैं वहाँ पे जाके पता चलता अभी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक बार अपना इंस्टा आईडी बता दीजिए हमारे दोस्त। राहुल सोलंकी। अच्छा, तो ठीक है राहुल सोलंकी सर, बहुत अच्छा लगा। एक बार पोजिंग करके दिखा दीजिए हमारे दोस्तों को। तो हमारे 68 कैटेगरी के एथलीट हमारे साथ खड़े हैं। तो आपका मतलब क्या रिजल्ट क्या है अभी? अभी 60 केजी में टॉप 5 लगा है। हाँ। और 65 के बाद एन ए सब कंपटीशन होने के बाद वो रिजल्ट देंगे, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अभी ऐसा कुछ रिजल्ट अनाउंस नहीं किया? अनाउंस नहीं किया, ये सब लास्ट में देते हैं, सबको देते हैं, 60 को देते हैं, 65 को देते हैं, 70, 75 एंड 80। तो आपको क्या लगता है क्या होगा आज? आज मेरा टॉप 5 में आया है, तो देखते क्या कौन सा प्लेस लगा है। अच्छा, प्लेस सेकेंडरी है, बट अब खेल खेलना जरूरी है मेरे लिए। तो अपना नाम बता दीजिए हमारा। माय नेम इज सूरज फ्रॉम चंद्रपुर। 2017-18 से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। 19-20 में थोड़ा सा गैप गिर गया था, फैमिली इशू और कोरोना। देन मैं 21 से, और अभी 21-22 और ये 22-23 का मैं और से कम बैक हुआ हूँ 2 साल से। लास्ट ईयर मैंने 4 ब्रोंज मारा है चंद्रपुर श्री में, चंद्रपुर से। और एक विदर्भ मारा है जो हमारे चंद्रपुर जिले में किशोरबा जोरीवार की तरफ से हुआ था। हाँ। वहाँ पे सिल्वर मेडल मारा था 55 कैटेगरी में। हाँ। और अभी इस साल का ये मेरा सेकंड कंपटीशन है। चंद्रपुर में मेरा कंपटीशन भद्रावती में हुआ था, जहाँ पे मेरा टॉप 5 लगा था। ओके। वहाँ पे मैं तैयार रेडी नहीं था, बट भाई खेल खेलना जरूरी है मेरे लिए, इसलिए मैं खेला। और दूसरी बात, अभी ये भी मैं थोड़ा प्रिपेयर हो गया था आज़ाद हिंद, और ये कॉम्पिटिशन के लिए मैं कम से कम मैं 4 साल से वेट कर रहा हूँ। अच्छा, इस कॉम्पिटिशन के लिए? हाँ, 4 साल से वेट कर रहा हूँ। 2 साल से शायद से कोरोना में हुई नहीं थी, और जब मेरे को पता चला था 2019 में, जब मैंने तैयारी किया था, तब मैं उतनी कंडीशन में नहीं था विदर्भ लेवल में। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टार्ट किया था, तो उसमें मेरा
परफॉर्मेंस नहीं था इसलिए मैं नहीं आया था, बट अभी इस साल आया हूँ, टॉप 5 लगा है, अच्छा लगा और जजिंग भी बहुत अच्छी हुई। मेरे ग्रुप पे 25 पुट्टे लड़के थे, प्लेयर्स थे, उसमें से टॉप 15 निकाले, फिर टॉप 17 निकाले, फिर 7 निकाले, फिर टॉप 5 निकाले, अभी रिजल्ट लास्ट में देंगे। अच्छा, ये जजिंग और ये जो कॉम्पिटिशन ले रहे हैं वो बहुत सही ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जज जो अनुज सोनी सर है, संतोष कुरवाड़े सर, अभी मैं दोनों को पहचानता हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगा उनका। और बाकी जजेस का भी थैंक यू, धन्यवाद, और टीम आजाद हिंद मंडल कि जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया और बहुत जोरदार कंपटीशन लिया और बहुत अच्छा लगा खेल के मुझे। आने पे थोड़ा तकलीफ हुई मुझे कार से, बट फिर भी आया भाई, खेला और अच्छा लगा, और अगले साल और मेरा अच्छा परफॉर्मेंस। अभी नेक्स्ट टारगेट क्या आपका? अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा चंद्रपुर में ही आमदार श्री है, जो विदर्भ स्टेट होता है, वो एक्चुअल में डेट कंफर्म हो नहीं की है, बट वो 28 जनवरी के आसपास हो सकता है। हाँ, तो और ये ऐसी कंडीशनिंग लाने में कितना टाइम लग गया? ऐसा कंडीशन लाने पे मैं सालों साल कर रहा हूँ, बट अभी ये जैसा क्या ऑफ सीजन और ऑफ सीजन और ऑन सीजन होता है, अभी अपना ऑन सीजन है कटिंग का, रिप का, लीन का और लो कैलोरीज डाइट का, जिससे अपन बॉडी लीन होती है। तो दिन भर डाइट में क्या लेते हो अभी? दिन में डाइट में ज़्यादातर प्रोटीन और गुड फैट फाइबर, ठीक है, कार्ब थोड़ा कम खाते हैं जिससे फैट बढ़े ना, ठीक है, और जो अंदर का जो फैट है उसको यूटिलाइज करने के लिए कार्ब थोड़ा कम नोट करते हैं हम बॉडी। अरे, पानी और सॉल्ट का चक्कर क्या है, मतलब ये छोड़ते क्यों है? और सॉल्ट का चक्कर जो है और कार्ब का चक्कर जो है वो ये अपना पीक वीक में है, जो जैसे कि बॉडी में मसल है, मसल ग्लाइकोजन होता है, लीवर ग्लाइकोजन होता है जिससे पंप आता है, ठीक है, तो पीक वीक में जैसे कि अभी 21 तारीख को कंपटीशन थी, गुरुवार है आज का, तो लास्ट गुरुवार में पीक वीक स्टार्ट होता है एक हफ्ते पहले, जिससे अपने कार्ब को पूरा डिप्लीट कर दिया जाता है, पूरा कम कर दिया जाता है, जिसमें ओनली फाइबर और प्रोटीन होता है, प्रोटीन जिससे मसल रिकवरी करे, फाइबर जिससे डाइजेशन अच्छा हो, ठीक है, और जो बॉडी के अंदर जो मसल ग्लाइकोजन है, जैसे लीवर ग्लाइकोजन और मसल ग्लाइकोजन, उसको पूरा डिप्लीट कर देते हैं, जिससे वो श्रिंक हो जाता है, उसको शॉक मिल जाता है बॉडी को, फिर अगेंस्ट जैसे कॉम्पिटिशन अभी कल आज 21 तारीख को, तो कल से 20 तारीख से कोई 21 तारीख से डिपेंड हो बॉडी टाइप और बॉडी कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, फैट परसेंटेज डिपेंड, तो कार्ब लोडिंग करता है, मैंने कल से कार्ब लोडिंग किया है। और पानी और नमक कब से छोड़ा है? पानी और नमक मैंने 3 दिन से छोड़ा है, थोड़ा वाटर कट मैंने 3 दिन से किया, बट उसके पहले मैंने थोड़ा सा वाटर थोड़ा थोड़ा कम किया है, 6 लीटर 4 लीटर 3 लीटर फिर थोड़ा कम, और आज मैं कम से कम मैं 200 ml पे हूँ मैं आज। ओके, तो बस अपना इंस्टा आईडी बता दीजिए हमारे दोस्तों को। मेरा इंस्टा आईडी है सूरज तिवाड़े 1212। तो बहुत अच्छा लगा सूरज भाई आपसे मिलके, बस एक बार पोजिंग करके दिखा दीजिए हमारे दोस्तों को। मेरा दोस्त है वाइट, जो मेरे हर कंपटीशन में आता है, अभी इसने कल आज जॉब की छुट्टी मार के मेरे लिए आया है चंद्रपुर से अमरावती, मेरा सब कुछ देखता है, मेरा छोटा भाई है। तो लक्के भाई भी कंपटीशन खेलने वाले के फ्यूचर में? कंपटीशन तो खेलेंगे नहीं वो, बट उसको मैं अभी ये 12 होने के बाद उसकी थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस लूंगा, जिसमें पावर लिफ्टिंग की वगैरह प्रैक्टिस लेने की सोच रहा हूँ मैं। अच्छा, और अभी उसकी थोड़ा सा हेल्प। और बॉडी बिल्डिंग के अलावा क्या करते हैं आप? मैं बॉडी बिल्डिंग के अलावा फिटनेस ट्रेनर हूँ चंद्रपुर में फॉरेस्ट जिम में, और मेरा प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग है और फैशन। अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस सर, ये खेल के बहुत अच्छा लगा और आगे खेलना है, और ऐसे मोटिवेट करो हमको, थोड़ा आगे जाए हम। और जो IFBB जो टीम है जैसे इंडिया लेवल पे, वो टिकी रहे, और जिससे अपने को इंडिया में गवर्नमेंट नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिले, ये मैं IFBB को थोड़ा दिल से बोलूँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच भाई। धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा लोकेश गुप्ता। तो हमारे 60 वेट कैटेगरी के 4th प्लेस के विनर हमारे साथ खड़े, क्या नाम है भाई आपका? हाँ, कहाँ से आए? वाशिंग। अच्छा, अभी कितना टाइम हो गया बॉडी बिल्डिंग? अभी तो 1 साल हो गया। तो अभी आज मतलब 4th प्लेसिंग आया, कैसा लग रहा आपको? बहुत बढ़िया लग रहा। अच्छा, सिर्फ सेशन नहीं थी इतनी, मुझे लगा था कि टॉप 10 आकर मैं बाहर चला जाऊँगा। हाँ, लेकिन 4th प्लेस आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो फिर और डाइट वाइट कैसा रहता है भाई? डाइट वगैरह आप दिन में 12 टाइम खाते हो आप क्या? अच्छा, दिन में 12 टाइम खाते हो? जी, हर पहली बार सुन रहा। आप जैसा क्वेश्चन बोले वो ऐसे ही चलना। अच्छा, तो फिर मतलब हर घंटे में क्या लेते हो फिर? चिकन्स, बॉयल्ड एग्स, फिश, ओट्स वगैरह। जो भी ये हर एक एक घंटे में आपका मिल रहा है? जी जी, एक एक घंटे में। जैसे कि डेली का आधा किलो चिकन खा लेते हैं, आधा किलो फिश डेली के 15 to 20 एग्स खा लेते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो और ऐसा कंडीशनिंग लाने में कितना टाइम, मतलब ये जो शो है इसके लिए आप कितने टाइम से प्रेप कर रहे थे?
तीन साल से तो अभी मेरी स्टार्ट है, लेकिन अभी फिलहाल दो महीने से लगातार कंटिन्यू अच्छे से मेरी प्रेप स्टार्ट हुई है कॉम्पिटिशन से। मतलब इस कॉम्पिटिशन के लिए दो महीने में आपने तैयार है? बॉडी बिल्डिंग में मतलब पहले से शौक था फैशन का, हाँ, लेकिन कॉम्पिटिशन वगैरह इसके पहले कभी खेला नहीं था। सर फॉर बॉडी बिल्डिंग के अलावा क्या करते हैं भाई? जी मैं स्टडी करता हूँ अभी। अच्छा स्टडी, और तो दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती है, मतलब बॉडी बिल्डिंग स्टडी? जी जी हो जाती है। मैं वैसे जिम ट्रेनर भी हूँ। अच्छा, तो वो जैसे मतलब बॉडी बिल्डिंग ही कर लेते हो को, लोग को ट्रेन करते करते खुद भी ट्रेन हो जाता हूँ। कितना खर्चा आ जाता है ऐसे बॉडी बनाने में? अभी फिलहाल इस मंथ में एक मंथ और 10 दिन हो गए, तो 55,000 आ खर्च। 55,000, ये दो महीने का खर्चा? दो नहीं, डेढ़ महीने का खर्चा। डेढ़ महीने का खर्चा 55,000। जी जी। और बाकी साल भर कितना खर्चा आ जाता है मेंटेन करने? तो अभी साल ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन के अंदर अभी देखेंगे, अभी तक साइकिल वगैरह स्टार्ट नहीं किया उन्होंने, अभी प्रेप स्टार्ट की मैंने डेढ़ महीना पहले से। ओके, तो इसके आगे देखते हैं अभी क्या क्या होता है। अच्छा ठीक है, तो और नेक्स्ट गोल क्या है फिर? नेक्स्ट गोल मिस्टर इंडिया। अच्छा मिस्टर इंडिया कब होने वाला है? अभी 30 तारीख को है वेस्टर्न मिस्टर इंडिया। अच्छा जी, इसी मंथ है। ये जो उज्जैन में हो रहा है? जी जी उज्जैन में हो रहा है। अच्छा, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, बस एक बार अपना इंस्टा आईडी बता दीजिए हमारे दोस्तों को। मिस्टर सोहेल। अच्छा, एक बार पोजिंग करके दिखा देंगे? हाँ, इंस्टा आईडी बता दो एक बार। MR@SOHEL। अच्छा, एक बार पोजिंग करके दिखा दो। तो हमारे आज के 68 कैटेगरी के विनर हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है भाई आपका? शिवाजी वाकोड़े। अच्छा, कहाँ से हैं? चंद्रपुर। और कितना टाइम हो गया बॉडी बिल्डिंग करते हैं? 4 साल। अच्छा, और अभी ये कंपटीशन के लिए कितना टाइम लग गया था आपको? अभी ये 2 महीने, 1.5 महीना। अच्छा, तो आप खुश हैं अपनी ब्लेसिंग से? खुश हैं। अच्छा, फर्स्ट। तो अभी नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट है और खेलना है। क्या बोले? नेक्स्ट है और खेलना है। अच्छा, कौन सा कॉम्पिटिशन खेलने वाला है? अभी है 30 तारीख को विदर्भ श्री। अच्छा, और बॉडी बिल्डिंग के अलावा क्या करते हैं? शॉप है, प्रोटीन शॉप है, जिम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है भाई, एक बार पोजिंग करके दिखा दे हमारे दोस्तों को। एक बार हमारे दोस्तों को अपना इंस्टा आईडी बता दीजिए। शिवाजी वाकोड़े। तो ठीक है शिवाजी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आगे के कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो 68 कैटेगरी में जिनका सेकंड आया हुआ एथलीट हमारे साथ खड़े हैं, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जमाल अंसारी। अच्छा, अभी कितना टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं? मैं 8 साल से। अच्छा, तो 8 साल से कंटिन्यू बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं? नहीं, 2013 में गया था इसके पहले, फिर 2017 में गया, अब 2023 में। तो अभी ये सीजन का पहला कंपटीशन है? सीजन का पहला कंपटीशन है विदर्भ प्लेयर। अच्छा अच्छा, तो आप अपने के प्लेसिंग से खुश हैं? नहीं नहीं खुश। अच्छा क्यों, मतलब क्या हो? फर्स्ट आप पब्लिक पूरी फर्स्ट चला रही थी। अच्छा, जजेस भी कई 4-5 फर्स्ट बोल रहे थे, लेकिन जो तीन जो बैठे थे वो सेकंड बोल रहे थे। तो आप अभी 7 तारीख को नागपुर में आए, पता चल जाएगा कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब क्या कमी रह गई थी जो आप सेकंड? कोई कमी नहीं थी, जजेस में कमी थी, जितने सीजन सही नहीं दिए, क्योंकि पब्लिक तो मेरे नाम से चला रही थी ना, वो पब्लिक से भी गए भी थे जो जजेस बैठे थे वहाँ, जो उनको समझ में नहीं आया फर्स्ट सेकंड कौन है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है? टारगेट है ना नागपुर में महापुर श्री। अच्छा, तो उसके लिए फुल रेडी है? फुल रेडी है। अच्छा ठीक है, तो डाइट के बारे में बताएंगे अपने, मतलब दिन भर से लेकर रात तक कैसा डाइट? चिकन, बॉइल चिकन, अंडे बॉइल, सलाद वगैरह। बट और ये सब पानी और नमक कितना टाइम से छोड़ा? पानी तो एक हफ्ते से छोड़ा है। अच्छा, लेवल कम कर करके अभी 3 दिन से टोटल बंद है। और ये छोड़ते क्यों है, मतलब पानी और नमक क्यों छोड़? बॉडी में वाटर जब निकलेगा तो बॉडी ड्राई होती है, स्किन लगती है, तो फाइबर दिखते हैं। हाँ बॉडी में। अच्छा, तो बस अपना इंस्टा आईडी बता दीजिए हमारे दोस्तों को। इंस्टा नहीं चलाता मैं। क्या बोले? इंस्टा नहीं चलाता, फेसबुक चला। अच्छा, फेसबुक का आईडी बता। जमाल बाबा शेख। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर, एक बार पोजिंग करके दिखा देंगे हमारे दोस्तों को।
हमारे 65 वेट कैटेगरी के एथलीट हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शहजाद। कहाँ से आए? यवतमाल डिस्ट्रिक्ट डिगरस। अच्छा, अभी कितना टाइम हो गया बॉडी बिल्डिंग करते हुए? बॉडी बिल्डिंग करते हुए अभी तो 10 साल हो गए, पर अभी 6 साल बाद फिर से कम बैक किया हो। तो मतलब 6 साल क्यों गैप दिया था? 2018 में छोड़ दिया था, इसलिए शादी हुई। अच्छा, उसके बाद में लड़का हुआ। हाँ, फिर यानी फैमिली प्लानिंग होने के बाद में फिर से बॉडी बिल्डिंग 6 साल बाद में स्टार्ट किया होगा। सर, तो बॉडी बिल्डिंग के अलावा और क्या करते हैं? और मेरी सप्लीमेंट की शॉप है, मैं ट्रेनर हूँ। हाँ, गेम ट्रेनर। हाँ, कोच हो? हाँ सर। हाँ, यही। तो आपने किसी कोच को हायर किया है, आप खुद ही ये करते हैं? नहीं, मेरा पहले कोच था। हाँ हाँ, फिर उसके बाद में मैं खुद ही सब साइकिलिंग वगैरह सीखा हूँ। हाँ हाँ, कोर्स किया हूँ। हाँ, अभी मैं लड़के तैयार करता हूँ। हाँ सर। हाँ, और मेरे एक फ्रेंड है असलम भाई बोल के। हाँ, वो भी अच्छे खासे कोच है। हाँ सर, हम दोनों मिल के तैयार करते हैं। हाँ हाँ सर। तो अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है? मतलब नेक्स्ट, अभी ये जो तैयारी है। हाँ, ये सिर्फ 3 महीने की तैयारी है। क्या सिर्फ 3 महीने? कंडीशन है अभी नेक्स्ट साल की जो करेंगे। हाँ, तो इंशाल्लाह कुछ बड़े टाइटल की करेंगे। अच्छा, और महाराष्ट्र की करेंगे। तो आज क्या प्लेसिंग आया मतलब आपका? आज का तो इंशाल्लाह फर्स्ट ही आएगा। अच्छा, क्योंकि अभी 5 दिन पहले चैंपियन ऑफ चैंपियन के टाइटल मारा। और कहाँ पे? यवतमाल। 16 दिसंबर को चैंपियन ऑफ चैंपियन। तो अभी प्लेसिंग अनाउंस नहीं हुआ है ना? अभी अनाउंस नहीं हुआ, सिर्फ टॉप 5 सेलेक्ट हुआ है। टॉप 5। अच्छा, और आपको लगता है फर्स्ट आए? हाँ, इंशाल्लाह फर्स्ट ही आएगा। ठीक है, कंडीशन के। और डाइट वेट मतलब कैसा रहता है सर आपका दिन भर डाइट? डाइट मत पूछो सर, डाइट बहुत भारी रहता है, बहुत भारी। नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। जो बॉडी बिल्डर है, जिसको अच्छा खासा जुनून है, जो कर सकता बस वही फॉलो कर सकता है डाइट। वाई बॉडी बिल्डिंग? मतलब बॉडी बिल्डिंग क्यों चूज़ किया आपने, कुछ और भी चूज़ कर सकते थे? बॉडी बिल्डिंग ही यानी वो स्टार्ट से बॉडी बिल्डर में इसमें इंटरेस्ट था। हाँ, तो अपना इंस्टा आई डी बता देंगे हमारे दोस्तों को एक बार? शादी MD Shahzad 111। अभी 7 तारीख नागपुर है। हाँ, नागपुर में भी जाना है। हाँ, 7 जनवरी को। ओके। हाँ, अच्छा, तो बस एक बार पोजिंग करके दिखा दीजिए हमारे दोस्तों को। You're a superhero.